मेरा नाम प्रणवाब महतो है, इसे महतो से ज़्यादा मुझे बर्डमैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरा घर जो पड़ता है रामगढ़ कुंदरू सरैया पड़ता है, और मैं ज़िंदगी का लगभग ज़्यादातर टाइम हमने पशु पक्षियों के साथ बिताने का काम किया। लगभग 26 सालों से लगातार मैं पक्षियों के साथ काम कर रहा हूँ, और झारखंड में लगभग 443 तरह के पक्षी का प्रजाति मिलते हैं। लेकिन हमने जो अभी तक जो रिसर्च किया, जो हमने उससे मिलने का जो मैंने काम किया, वो लगभग 190 से लगभग 200 तरह के पक्षियों से मैंने मिला हूँ। आइए मैं कुछ पक्षियों की आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों, जो मैं सबसे विरूप के कगार में जो खड़े हैं, मैं उस पक्षी को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। ये बवेक फैंकोविन है, और क्षेत्रीय भाषा में इसे काला तीतर या बवेक तीतर भी बोला जाता है। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। अब जो मैं पक्षी का आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ वो है हिमावय मोनाल, जो उत्तराखंड की आवाज़ के पक्षी है। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ, हिमावय मोनाल। अब जो मैं पक्षी को मैं अगवा पक्षी सुनाने जा रहा हूँ, जो हमारे झारखंड से बाहर की बात की पक्षी है, हिमाचल की, ये वेस्टर्न टर्गोपन, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा जैसे इसको हम लोग वेस्टर्न टर्गोपन है, ये हिंदी में से झुझुराना बोलते हैं। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। ये दोनों पक्षी जो है बाहर का है। दोस्तों, मैं अब जो अगवा पक्षी का मैं आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ, ये रेड जंगल फोब है, जिसको हम लोग हिंदी में इसे मुर्गा बोलते हैं। मैं उसका मैं आवाज़ निकालना, बहुत ही ये दुर्लभ पक्षी है, ये बहुत कम ही दिखता है। मैं उसका आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये रेड जंगल फोब का है। मैं इसी का जो है फीमेल का मैं आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। ये फीमेल अपने मेल को कैसे बिझाता है, उस स्थिति को मैं सुनाने जा रहा हूँ आवाज़। ये फीमेल का आवाज़ है, जब ये पूरी तरह से ये मेटिंग करने के तैयार होती है, तब ये अपना मेव को बिझाने की आवाज़ निकालती है। अब जो मैं अगवा पक्षी का मैं आवाज़ निकालने जा रहा हूँ, ये ग्रे पैट्रिज है, जिसको लोग क्षेत्रीय भाषा में लोग तीतर पक्षी बोलते हैं। तीतर का भी मैं उस स्थिति का आवाज़ निकालने जा रहा हूँ, जब तीतर पक्षी ब्रीड करता है और अपने क्षेत्र की हिफाजत करता है, तो वो कैसे अपने भाषा में बोलता है दूसरा ग्रे पैट्रिज को, मैं उस स्थिति का आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। बाउन बटन क्वाइल है, बहुत ही शर्मिंदा पक्षी की सूची में शामिल है, जिसको लोग क्षेत्रीय भाषा में लोग इसको बटेर या गुंडी बोलता है। मैं इसका आवाज़ आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग इसका आवाज़ हम देते हैं, देखते हैं कि आगे भी उसका रिस्पॉन्स मिलता है क्या। यहाँ पर एक बेटर कोका ने पक्षी ने आवाज़ दिया, मैंने भी उसको आवाज़ दिया, सुना। मैं उसका आवाज़ निकालना चाहूँगा। यहाँ बहुत सामने आ चुका था बेटर कोका, देखिए लगातार आवाज़ दे रहा है, तो अभी इनका भी मैचिंग का टाइम है, तो मैंने जैसे ही इसका आवाज़ दिया मैंने, तो ये आता मेरे पास, मैं सुना, मैं इसका आवाज़ सुनाना चाहूँगा। Thank you.
आप देख सकते हैं लगातार आवाज दे रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरा मैन को मैं आगे चाहूंगा, देखिए आगे भी आप आवाज दे रहा है जो एकदम आगे यहाँ से है। लगातार यहाँ पर 3 मेल आ चुका है मेरे पास और ये कह रहा है अपनी भाषा में कि मैं यहाँ पर आशियाना बनाने वाला हूँ या बना चुका हूँ, आप इधर किसी भी मतलब छेड़छाड़ ना करो, मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ मैं भी यहाँ पर आशियाना बनाऊंगा। ग्रेटर कौकल का मैं आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी इधर आशियाना बनाऊंगा। मैं पुनः एक बार मैं और आवाज़ निकालना चाहूँगा, अब देख रहे हैं दोस्तों लगातार आवाज दे रहा है, मैं इनको ज्यादा परेशानी ना करते हुए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि और पूरे जो वायरा प्रेमी को है मैं पुनः मैं अपनी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। झारखंड की पहचान ही है जब जमीन जंगल, तो मैं लगातार मैं पक्षियों और जंगलों को मैं बचाने का काम करता हूँ। अगर ऐसा झारखंड सरकार से अगर मुझे फंडिंग मिला तो मैं झारखंड के साथ साथ मैं झारखंड के बाहर भी मैं जाके पक्षियों पर शोध करना चाहता हूँ और लगातार काम करना चाहता हूँ और लगातार मैं पक्षियों की जानकारी हासिल करके मैं फिर मैं झारखंड के लोगों को मैं जागरूकता अभियान कराना चाहूँगा।